हिंदी सिनेमा की पहली सबसे पढ़ी लिखी अभिनेत्री लीना चटनीस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया। जिस जमाने में ये एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में आई उस जमाने में महिलाओं का फिल्मों में काम करना पाप समझा जाता था, लेकिन पति से तलाक के बाद इन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली। यूं तो ये उन दिनों टीचर की नौकरी भी कर रही थी, पर बच्चों की परवरिश के लिए इन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए थिएटर की दुनिया से उतरी थी। साल 1935 में इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था श्री सत्यनारायण, लेकिन इनको प्रसिद्धि मिली 1937 में आई फिल्म जेंटलमैन डाकू नामक फिल्म से। आगे चलकर ये अशोक कुमार जी के साथ कई बड़ी फिल्मों में देखी गई, जैसे बंधन, झूला व आजाद। लीला अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर थी और ये भारत की पहली लक्स गर्ल थी। इनसे पहले भारत के लक्स साबुन में जो भी एड्स दिखते थे उनमें विदेशी मॉडल ही नजर आती थी। बदलते वक्त के साथ लीना की फिल्मों में चरित्र की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। सर्वाधिक ये माँ के किरदारों में दिखी। इन्होंने कई बड़े स्टार की माँ के किरदार निभाए। 9 सितंबर 1909 को लीना चटनीस जी का जन्म हुआ और 14 जुलाई 2003 को इनकी मृत्यु हुई।